थोड़ा सा समय मिला है पिनारा ना मिलता।
इस वंदनीय संत सम्राट अद्भुत अभिषेक पूजनीय श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपा माताएं और बहन भविष्य के कारण आधार वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए मौका मिला है सेवा का कुछ निवेदन करूं। आपको संतों ने बहुत कुछ प्रसाद में दिया है और लग रहा है कि कुछ देने के लिए बचाई नहीं है, कुछ करने के लिए बचाई नहीं है। फिर भी जो सेवा का समय मिला है तो जरूर टूटे फूटे शब्दों में निवेदन करेंगे। पहले एक भजन, उसके पश्चात चर्चा करेंगे। किसी के काम जो Yeah.
कितना बढ़िया अच्छा इस पद में सब कुछ कर दिया है। आप दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दो, ने बुआ खा दे हो ने बुआ खा दे हो, दोनों लड़ करके अगर किसी चींटी को एक कपड़ा मिल जाए तो उस सब प्रकार इकट्ठा कर लेंगे और कैदी चलो घर पे ले चलेंगे। तो आपने देखा होगा कभी एक थोड़े से कण पर और चार चार छह छह आठ आठ चींटी और उसको फिर ले जाती है। वो ऐसा भी नहीं सोचती है कि चलो यही खा ले, वो सोचती है कि चलो घर पर और भी होंगे बच्चे बच्चे, चलो सभी बांट करके खाए। कहते हैं आप आए सो हरकत और बांट आए सो आदि में से आदि, टूको में से टूक और कहें कबीरता दास को कबो न आवे। इसलिए मेरे भाई बहनों ये जीवन एक बहुत बड़ी उलझन है और इस संसार में संसार के हिसाब से अगर देखा जाए कि हम सभी भाई बहन एक जैसे हुए हैं, जैसा भक्त श्री नौमी सिंह जी ने ऐसा मकान बनवाया है और हम सोचेंगे चलो हम बनवाएंगे, चलो हम बनवाएंगे, चलो हमें बनवाएंगे, तो ध्यान रखो सब नहीं बन पाएगा। इस मकान से भी बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं और इस मकान से भी बहुत छोटे छोटे मकान बने हैं, उनसे भी बहुत छोटे छोटे और मकान बने हैं। फिर कहीं कहीं प्लॉटों में अपने त्रिपाल तान करके लोग अपनी गुजर कर रहे हैं, कहीं कहीं अपना प्लॉट भी नहीं है तो सड़कों के किनारे लोग अपनी गुजर कर रहे हैं। तो ये बाहर की चीज कभी बराबर नहीं हो सकेगी लेकिन भीतर की चीजों में कोई फर्क नहीं है। भाई नौमी श्री सत्संग करवा सकते हैं तो बड़ा नहीं तो चलो छोटा, चार संतों का नहीं तो दो संतों का, एक साधु का से चलो साधु नहीं हुए अपने पाड़ पड़ोसी मित्र मिल करके ही सही और सत्संग तो सत्संग होता है। तो सज्जनों भीतर की संपत्ति में हमारे पास में कोई कमी नहीं है, बाहर की संपत्ति में हम कभी बराबर नहीं हो सकते, ये नियम ऐसा सृष्टि है। और भीतर की संपत्ति तो हमारे और आपके पास में सबके पास में, किसी विद्वान ने कहा है धनी होना चाहे तो धर्म कर ये नर और गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण को, जो भलाई चाहे तो बुराई के बच सदा, मान पड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को, ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटना चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को, कैद का विराज सुख चाहे तो संतोष करे, मुक्त होना चाहे तो पर ज्ञातम। महाराज जी पहले बोल रहे थे कि लोग सुख के लिए जाने क्या क्या करते हैं और ऐसा कहा है तन रोगों की खान है धन रोगों की खान और ज्ञान सुखों की खान है दुख खान। सज्जनों सुख मिलता है प्रिय सदगुरुदेव की जय। अलग से साधना कोई साधना नहीं होती है, कोई भाई सोचे कि चलो अब तो सवेरे कर ही लेते हैं 10 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं, कोई भाई सोचे बहन सोचे कि चलो अब तो सवेरे मंदिर चले जाते हैं हम तो पूजा कर ही आए, सवेरे पूजा कर आए और फिर पूरे दिन अपने कपड़ा के मारते रहे, ऐसा नहीं। साहब जी बताते हैं भैया प्रत्येक क्षण हमारा होश के साथ में रहे और अगर प्रत्येक समय पर तुम होश में रहोगे सावधानी के साथ रहोगे तो आपके भीतर से कभी गाली नहीं निकलेगी, आप कभी झूठ नहीं बोल पाओगे, आप किसी के धन का आक्रमण नहीं करोगे क्योंकि आप जानते होगे ये सारी चीजें स्थाई नहीं है। आज यहाँ पर है आज इसका कोई मालिक है तो कल इसका कोई और बन जाएगा। बेहोशी में हमारा संयम टूट जाता है तो सत्यों से वाणी भी अच्छी नहीं निकलती है, इसलिए ध्यान कोई अलग से ध्यान नहीं होता है, एक सावधानी का नाम ही ध्यान है।
एक शरीरता का नाम ही ध्यान है, जागरूकता का नाम ही ध्यान है। अगर तुम जागृत होकर के जीवन जी रहे हो तो आपके जीवन में गलतियां बहुत कम होगी, और गलती वही है तो वहां पर कहीं ना कहीं हम थोड़े अपने होश को खो दिए। गलती वही है तो आप थोड़ी दो मिनट बाद आप विचार करेंगे उस बात पर तो आप अपनी गलती को पकड़ लेंगे, यही गलती नहीं की होगी। कहते हैं जोश जवानी में होता है और होश जा करके बुढ़ापे में आता है, और सिर्फ एक ही बात है, जो व्यक्ति को जागृत हो जाए तो उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका खान पान, उसकी रहनी ऐसे ही उसके साथ में रहेंगे जैसे शरीर के साथ में छाया। छाया कभी शरीर से अलग नहीं होती है, ऐसे ही हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारी शालीनता कभी हमसे अलग नहीं। अगर हम जागृत होकर के जी रहे हैं तो, और जागृत होकर के अगर जीवन नहीं जीते हैं तब तो फिर हम कदम कदम पर गलती करते हुए चले जाते हैं। कहते हैं कि एक बार ठगावे तो वामन वीर खावे और बार बार ठगावे तो बापू ना खावे। एक बार गलती हो गई और फिर कहते हैं कि चलो अब नहीं करेंगे, और फिर हो गई फिर सोचते चलो अब नहीं करेंगे, और फिर सोचते हैं कि चलो अब नहीं करेंगे, और ऐसे कहते कहते सारा समय बीत गया। और जो जागृत है, जो उसके साथ अपना जीवन जीता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में बदलाव ले आता है। और बदलाव कब आता है? जब तक हम शरीर की मोह और ममता, अहमता में फंसे हुए हैं। अहमता कहते हैं अपने शरीर को ही नहीं मानना, और ममता कहते हैं प्राणी पदार्थों को ही अपना मान लेना। ममता पदार्थों में होती है, अहमता शरीर में होती है। एक में पानी कहकर के आगे चर्चा रखेंगे, बताते हैं कोई एक वैशाली की नगर बदू थी। नगर बदू कौन से कहते हैं? वेश्या। बहुत बड़ी सुंदर थी और वेश्या दर्शन करके सुंदर ही होती है, कुछ तो होती है, कुछ और ऊपर से अपनी बढ़िया फलोन करके और बढ़िया सज्जन करके और लोगों को प्रभावान करती रहती है। उसका काम ही था सवेरे ही अपने अपने छज्जे पर बैठ करके, और फिर लोग आते उधर से, इधर से ऐसी जगह थी वो किराया था, तो इधर से लोग आ रहे तो इशारा कर दिया आओ जी, उधर से आ रहे हैं तो आओ जी, और उसका पूरा दिन इसी तरीके से व्यतीत हो गया। वहां कभी कभी एक महात्मा जी आते रहते थे। महात्मा जी जवान थे, अच्छे थे, सुंदर थे, सुशील थे। उस महात्मा को देख करके उस पेशेंट का चित्र उनकी तरफ भी आकर्षित होता विशेष करके, और जब महात्मा वहां होकर के निकलते तो फिर वो वेश्या कहती आओ जी, अरे अभी से क्या मामला बना लिया है तुमने, ये कोई संन्यास का समय है, आओ। महात्मा जी भी हंसकर के कहते चले जाते हाँ हम कभी आएंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, कभी आएंगे, जरूर आएंगे। काफी दिन व्यतीत हो गए, धीरे धीरे समय निकलता गया, और ध्यान रखो संसार बाहर का संसार तो है ही, लेकिन हमारे हमारा शरीर और हमारे जो विचार हैं ये संसार के बीच में है, संसक्ति की संसार है। महापुरुषों ने कहा है जो हर वक्त जो सरकता हुआ है, जो हर क्षण जो सरक रहा है, चल रहा है, इसी का नाम संसार है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। सज्जनों समय बीतता गया और ये रूप और सौंदर्य का जोश और इसका गर्व अहंकार करीब करीब जो कोई जागृत होता है उसी को नहीं हो पाता है, अर्थात ये सारी दुनिया में ये व्याप्त है। सच्चे अर्थों में यही माया का, इसी को बेहोशी कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं,
जो अपने रूप को जो स्वयं में मान लेता है, जो अपने सौंदर्य को ही स्वयं सबको समझ बैठता है, जो अपने कोठिकार प्रणाम को ही जो सबको समझ बैठता है, अपने बेटी बेटा और पति पत्नी को ही सबको समझ बैठता है, तो समझ लो कि इसी को अहमता और ममता कहते हैं। ये ऐसी जागरूकता है कि मैं तो ये संसार रंगमंच है, मैं तो एक पाठक हूँ और अपना पाठ खेल रहा हूँ। कौन सा पाठ खेल रहा हूँ? मैं पिता का पाठ खेल रहा हूँ, तो उस पिता के पाठ को सही तरीका से खेले। अगर मैं माँ हूँ तो फिर माँ के पाठ को बढ़िया अच्छी तरीका से खेले। महात्मा जी ने बढ़िया कितना अच्छा उदाहरण बताया था हनुमान जी वाला। उसने पूरे दिन डटा था कि राम पूछेगा रावण के तुम कौन हो, तो मैं कहूंगा कि मैं हनुमान जी हूं। क्या करते हो? मैं राम की सेवा करता हूं। पूरे दिन डटा, लेकिन जब वक्त आया तब पूछा रावण ने कौन हो, तो वो भूल गया उस बात को। कहने लगा भैया मैं तो बढ़िया हूं। क्या करते हो? जलेबी बनाता। ये ध्यान रखो, रटन की विद्या न फलन की। ये रटन की विद्या भी काम में नहीं आती है, और परीक्षण तो सबका होता है, बिना परीक्षा के कोई पास नहीं होता है। ये ध्यान रखो, हमारी और आपकी परीक्षा, देखिए विद्यार्थी की परीक्षा तो लेता है मास्टर, और हमारी तुम्हारी भी परीक्षा होती है। इसकी परीक्षा स्वयं में प्रकृति लेती है, स्वयं परमात्मा लेता है, और जो उस परीक्षा में निकल जाता है बस वही पास होता है। अंडा पे सब के सब सरकते हुए चले जाते, चलो उठाओ, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। कितने महात्माओं की कड़ी है जो आज लोहे के शिक्षाओं में वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपनी परीक्षा में है। और जो किसी की दावा करता है उसी की परीक्षा होती है। कभी पीतल की परीक्षा नहीं होती है। सुनार के घर ले जाओ तुम पीतल को, तो वो कहेगा खाओ पीतल है ये। तो सज्जन परीक्षा होती है, हम जिसका दावा करते हैं ये सोना है तो उसकी परीक्षा होती है। उसको कसौटी पर लगाएगा सुनार के, सोना है या इसमें कुछ मिला हुआ है। और अगर पीतल ले जाओ तो जैसे फेंक दे हाथ में लेते ही, चलो हटाओ इसको। तो सज्जनो परीक्षा उसी की होती है जो खूब अच्छा पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ते हैं वो तो परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो तो बीच में फेल हो जाते हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, और फिर उनकी परीक्षा होती है, और फिर जो परीक्षा में निकल जाते हैं बस वो ही पास होते हैं। तो मैं बोल रहा था, समय बीतता गया, उस बेस्या के शरीर में तमाम रोग पैदा हो गए, उसकी सुंदरता बिगड़ गई, उसके शरीर में चर्म रोग हो गया, और वो चर्म रोग ऐसा कि शरीर से पानी बह गया, बवाल बह गया। जो लोग उस पर अपने प्राणों की बाजी लगाते थे, आज वो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। जो नोटों की गड्डी फेंक करके जाते थे, सोने चांदी के आभूषण उसको दे करके जाते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र साड़ी दे करके जाते थे, आज वो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। बेचारी अकेली पड़ी गई है कोने में, रोती रहती है। सज्जनों यही भक्त की परीक्षा होती है। कोई महात्मा फिर आए कभी और उनकी निगाह वहीं पर गई। ये भी ध्यान रखो, हमारे चित्र में दो ही चित्र रहते हैं, या तो फिर हमारा कोई गहरा मित्र हो उसका चित्र रहता है, या फिर कोई हमारा गहरा दुश्मन हो उसका भी चित्र रहता है। क्या पता नहीं है कहां से कहां और क्या नहीं करते। तो या तो मित्र का चित्र रहता है, या फिर दुश्मन का चित्र। तो महात्मा जी के चित्र में भी वो वैश्या का चित्र था, क्योंकि वो उन्होंने भी माना किया था, और संतों की वाणी मिथ्या नहीं होती है। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने श्री राम जी के मुख से भी कहलवाया है कि मोर वचन जाए जावे फीका, संत वचन
बात कहलवाई है तो मेरे वचन मिथ्या हो सकते हैं लेकिन मेरे संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं। तो संत जी का कहती आते थे मैं कभी आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं। आत्मा जी ने देखा छठे की तरह वहां बीच के अंदर लोगों से पूछा क्या भैया यहाँ पर वो एक ईर्ष्या रहती थी, लोगों को बुलाती रहती थी और मैं भी जब आता तो मेरी तरफ ही सारा करती थी, तो आप तो नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण हो गया है, क्या वो है या नहीं है? बोले महाराज है तो सही प्रकार होना मतलब उसका शरीर तो रोगी हो गया, पूरा शरीर चंद्र रोग से ग्रसित हो गया है, उसके शरीर से बवाल और पानी बहता रहता है, हर वक्त बदबू आती है, कोई उसके पास नहीं जाता है, पड़ी होगी कोने में। कहते हैं हजारों दोस्त होते हैं जो उधर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता होता है, आज उसको कोई देखने वाला नहीं है। महात्मा जी ने कहा ठीक है आज मैं अपने वाला को जरूर महात्मा जी जब वहां गए तो लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होने लगा, ये महात्मा को क्या लेना देना है स्पेशियस। पर सच्चे लोग ऐसा कहा है संत हृदय करुणी की समान, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। अरे घी तो फिर भी अग्नि के दबाव से निकलता है और संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देख के पिघल जाता है बिना दबाव के। पट्टू दास ने कहा एक छंद में, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत हृदय की ताप मिटावे, जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे, रैन सैन मुस्कान ज्ञान की सुगति लगावे, तीन ताप मिटी आए संत के दर्शन पावे, पलटू ज्वाला उदर की रहना मिटे तुरंत, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत। संत उसी को कहते हैं वास्तव में संत का हृदय जिसने शीतलता को प्राप्त कर लिया हो, जो संतत्व को प्राप्त हो गया हो उसी को संत कहते हैं। संत जी जाकर के और पहुंच गए वहां, और ध्यान रखो एक अच्छे संत का दर्शन भी अच्छे संत का अगर दर्शन हो जाए तो एक बड़े सौभाग्य की बात है, और सज्जनों उसकी वाणी से कुछ प्रसाद मिल जाए तो वो सौभाग्य की बात नहीं वो परम सौभाग्य की बात होती है। संत का तो दर्शन ही बहुत होता है, संत के दर्शन से हमारे हृदय की क्रिया में परिवर्तन होने लगता है। आप सोच रहे हो ऐसे कैसे हो जाता है, एक व्यक्ति किसी को मिल जाए जिसके विचार गलते हो और एक अच्छा आदमी हो और दोनों मिल जाए तो अच्छे आदमी को लगेगा कि जैसे मेरा कब पीछे छूटे भीतर थे उसकी चेतना में जाता है जल्दी निकलूं यहाँ से, और वो भले कह रहा था बैठ रहे यार बहुत दिनों मिला हो, देखो हाँ भैया ठीक है मिल गए और देखो फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि वहां अटैक हो गया है विचारों में अटैक हो गया है, वहां ऊर्जा टकरा रही है उसकी दूसरी तो जाएगी इधर। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि मिलत एक दुख दारुण देई और बिछड़त एक प्राण भले। बढ़िया बात कही है, एक व्यक्ति मिलता है तो बड़ा दुख देता है और एक व्यक्ति जब बिछड़ता है तब और बड़ा दुख होता है। एक सज्जन है, जब सज्जन आदमी से मिलन होता है, सज्जन संत महात्मा जाते जता करना कहते महाराज और आज और आगे का दिन और फिर भी
चरणा तो पड़ता ही है, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महाराज एक दिन चलो ज्यादा नहीं तो चलो थोड़ी देर भोयर बना रहे हैं और फिर इतनी देर तो रुक ही है, चलो ठीक है। तो लगता है कि अच्छा आदमी हमारे पास बना रहे हैं और हम उसके पास बने रहे हैं, जाने कब कब तक बने रहे, दिल नहीं होता। तो सज्जनों अगर वास्तव में ऐसे संत के जब दर्शन हो जाते हैं तो फिर समझ लो कि हमें हमारा परमात्मा नहीं है, वो वही संत है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मिलत एक तो बदारण में और बिछड़त एक प्राण भरते, और निकल गए लोगों की आंखें चलती हैं, नेत्र सरल हो जाते हैं, कठोर से कठोर व्यक्तियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्या देते हैं संत महात्मा। इसलिए मेरे भाई बहनों महात्मा जी जाकर के पहुंचे, उस बेस्या ने देखते ही बैठ करके बड़ी करनाई से बैठ पाई, देख रही चेहरा क्या, देखते देखते उसके चित्र में तो चेहरा था कभी का, लेकिन आज तो उसकी दशा खराब हो रही है। चेहरा को देखते देखते उसकी आंखें सजल होने आंसू आने लगे, पूरी तरीका से पहचान हो गई। तब कहने लगी अब आया, अब क्या रखा है, जब मैं आपको याद करती थी तब तो तुम कहते चले जाते कि मैं आऊंगा कभी, लेकिन अब क्यों आया। संत जी ने कहा उस समय जब तुम चाहती थी उस समय मेरा कोई काम नहीं था और आज मेरी लाइफ काम, आज जरूरत है मेरी इसलिए मैं आया। उस समय तुम्हें जरूरत थी, लेकिन तुम्हें जरूरत थी वो दूसरी थी, लेकिन मुझको जो मेरा काम है अब वो मेरा काम दूसरा है। उस समय तुम नहीं समझ पा रही थी, उस समय तो तुम पागल हो रही थी अपने जोश में, जवानी के हुबल्ला में वो कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उस समय मेरा काम नहीं था, मैं क्या करता उस समय, अब मेरा काम है। आप चिंता मत करिए, तुमने इस शरीर को सब कुछ समझ रखा था और इस शरीर को तुमने व्यवसाय का रूप दे दिया था, यही तो बेहोशी थी जीवन की और इसी का परिणाम है। ध्यान रखो जो जिस चीज का ज्यादा दुरुपयोग करता है वही चीज उसके लिए ज्यादा दुख का कारण बनती है, इसलिए प्रत्येक चीज का सदुपयोग करना जीवन में, चाहे अगर पानी है तुम्हारे सामने, अगर चाय दो लोटा से काम चल रहा है तो डेढ़ लोटा से काम चला, अगर पेड़ है तुम्हारे सामने इतनी लकड़ी से काम चल रहा है तो इतनी से चला, क्योंकि यही प्रकृति और पर्यावरण की सेवा पूजा है। जे सेवा पूजा नहीं है कि तुम एक लोटा ले गए और पीपर पे तुमने जाकर के डाल दिया और बातें सुनकर वो धागो बांध रहे हो और फिर बाप पूजा कर रहे हैं और फिर बाप कुछ मांग रहे हैं, ये तो मिथ्या है, ये तो धोखा है। अरे पानी दे रहे तो एक लोटा गए दे रहे हो, चार पांच सात बाल्टी पटे बता दे तीन चार दिन आगे चुए हैं, आओ फिर नई नई गोपला आवे और बढ़िया छाया तो पेड़ की पूजा। जीवन में कोई भी चीज हो किसी भी चीज का सही जो जागृत होकर के जो भाई बहन उपयोग करते हैं सज्जनों, उनको उन चीजों के लिए रोना नहीं पड़ता है, वो उसके लिए शहर प्राप्त होती रहती है। ऐसा वेद भी कहता है प्रकृति ऐसे पुरुषों की सहायता करती है, प्रत्येक सिक्का पर लिखा रहता है सत्य वेव जयते, इसलिए हम सत्य की ओर चले हमेशा स्वार्थ और प्रलोभन का प्रत्याग करके। महात्मा जी ने गर्म पानी करवाया किया स्वयं और गर्म पानी से उसके सारे शरीर को धोया और धोकर के फिर बढ़िया औषधि बनाई, कुछ खिलाने के लिए दिया औषधि, कुछ शरीर पर लेपन किया और तीन चार पांच घंटा में अपना पूरा काम करके फिर महात्मा जी ने कहा अब मैं कल फिर आऊंगा। और बता दे महात्मा जी दो पांच दिन इसी तरीका से आते रहे, उनको दवाई भी देते रहे, उनकी सफाई शुद्धि भी करते रहे और उसकी मानसिकता को भी ठीक करते रहे ज्ञान के माध्यम से। तो ध्यान रखो
आठ दस दिनों में वो शरीर से भी स्वस्थ हो गई और मन से भी स्वस्थ हो गई, चारों से भी स्वस्थ हो गई और वो महात्मा को बार बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु वास्तव में ही आपने तो मेरे साथ में वो काम किया जैसा दुनिया में कोई कहीं नहीं सकती। आप मेरे भगवान हो, मैंने भजन में बोला था, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ऐसा भगवान कहीं और दूसरी जगह नहीं है। जो तुम मांगो क्या सो कर सोई तुमने नहीं लिया, ऐसा भगवान कहीं पर नहीं है। सज्जनो कबीर जी ने तो कहा है, सब गढ़ मेरा साईया सुनी सीखने को बलिहारी गठता सुखी जागर प्रगट। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं उस बेस्या का इतना परिवर्तन हुआ कि बताते हैं कि वो आगे चल करके और ये महात्मा बन गए, ये भक्त बन गए। कैसे? एक साधु के संग से। उस समय उसकी क्या दशा थी सज्जनों? और जब साधु के संग में जब परिस्थितियों की ठोकर लगी तो उसकी आंखें खुल गई। तो ध्यान रखना, हमारे अंदर में भी जब कोई ठोकर लगती है परिस्थिति की तभी हमारी आंख खुलती है। अन्यथा वैसे हर व्यक्ति जागृत नहीं हो पाता है। ऐ सुनी जहाँ पर, हाँ चलो ठीक है जी, महात्मा लोग बनने की बात है, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ऐसे कह करके और सीधे लंबे हो गए, चलो बढ़िया रहे बढ़िया रहे, बढ़िया भजन सुनाए को, अच्छी ढोलक बजाई बाबा ने, अच्छा बाजो बजो बढ़िया खूब बढ़िया। और देखो महात्मा ने कितना बढ़िया उदाहरण दृष्टांत दिया। लेकिन सज्जनों इन सब के पीछे कारण है अपने स्वयं को बदलने का। और बदलने के लिए हमें कोई ये नहीं है कि हमें कोई कपड़ा बदलने पड़े या घर को बदलना पड़े, नहीं, मात्र अपने विचारों की बदलने की बात है। हमारे साहब भी कहते रहते हैं कि ये गाड़ी होती है और एक ड्राइवर होता है, गाड़ी का भोजन अलग होता है, ड्राइवर का भोजन अलग होता है। गाड़ी का भोजन डीजल और पेट्रोल होता है और ड्राइवर का भोजन दूध घी अन्न सब्जी इत्यादि सारी चीजें होती है। अच्छा खीर पूरी लेके तो गाड़ी बनते और डीजल पेट्रोल और ड्राइवर जाएंगे तो भाव दोनों बच जाएंगे या नहीं? गाड़ी बच जाएगी और ड्राइवर भी बच जाएगा। सज्जनों वास्तव में ड्राइवर का जो भोजन है वो ड्राइवर को दे दिया जाए और गाड़ी का जो भोजन है वो गाड़ी को दे दिया जाए तो गाड़ी भी दुरुस्त रहेगी और ड्राइवर भी स्वस्थ रहेगा और फिर वो गाड़ी में चला करके और अपनी मंजिल तक वो गाड़ी पहुंचाती। ये शरीर गाड़ी है, ये शरीर का तो भोजन हम रोज करते हैं सज्जनों, लेकिन ड्राइवर का भोजन नहीं दे पाते हैं। एक भजन में कहते हैं, अरे भूले मन समरे तू
जाएगी। और जब बच्चे आकर के कहेंगे ना
नौ खाएंगे तो हम कह रहे हैं है ऐसे है गरीब तो नहीं घड़ा तो नहीं घड़ा बोलते हो बाने के लिए भैया दे हम ग्रामीण उनके लिए मार देते हैं मतलब तो मैं घड़ा थोड़ा बाने के लिए तो जब घड़ा की पर रही है तो लेकिन भी उनके परिवार के इनाम देंगे आज तो आलो आलो दोस्त यार ये तेरे भैया सही है कड़ी मार कर तू अपने भूमा से जोड़ पड़ेगा पर मेरे भाई जाने हो वास्तव में वो कोई और सेवक के लिए नहीं है वो हमारे भीतर में वो सेवक के लिए रखा हुआ है इसलिए हमने निवेदन किया बस उसी को बदलने की बात है बस वो ही बदल गया तो बस सब कुछ बदल गया अगर वो नहीं बदला और हमने सब कुछ बदल दिया कपड़े बदल दिए शरीर बदल के तो अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है सब कुछ सज्जनों बस बदलना तो उसी को है जब वो बदल जाएगा तो बस हमारा सब कुछ बदल जाएगा तो सभी भाई बहनों को अपने जीवन की धारा को बदलना चाहिए यही सत्संग का लाभ है हमारे पूज्य संतों ने बहुत कुछ बढ़िया सुनाया अब पूज्य साहब भी विराजमान है और इसमें एक निवेदन है श्रीमान जो भक्तगढ़ प्रवचन सुनने बाहर से आए हुए हैं वो भक्त वो भोजन करके ही जाए और आज रात का प्रोग्राम शाम को 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा श्रीमान सबसे निवेदन है कि वो आने की कृपा और संतों का ये भाव होता है सर्वे भक्त सबने सर्वे संत निरावया सर्वे भक्त संत माता के दर्शन सभी के जीवन में सभी का मंगल हो नेक्स्ट प्रोग्राम का कामना में साथ और वाणी में सराहना को लेकर ये एक नया लगाएंगे बोलिए श्री सर्वे भाई बहन बोलिए सतगुरु देव की जय।
हम सब जनों की बीनती गुरुदेव बंद छुड़ाइए भूला ना दी से उन्हें अब तो शरण लगाइए साथी नहीं है और मेरा ख्याल अब आया प्रभु बड़े भाग्य से वैसे तो हमारे साहब जी
तीनों साहब ने इतना प्रवचन सुनाया है और सब टैगों पर खूब सुनाया है। हमारे श्री अमर साहब जी ने वास्तव में अमृत की वर्षा हुई। कुछ नहीं कहा, काफी है थोड़े में समझना, हद समझने की बात, और ज्यादा मेहंदी लगाएंगे तो कार्य करते। तो संतों के तो इशारे ही तो है, सब भाई बहन ज्ञानी है, सब जानते हैं। मैं एक छोटा भजन कहूं और बाकी बात में थोड़ी चर्चा करूं। रतन का जतन कर मांडी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है सिंगार। जैसे आए तैसे ही चले गए तो फायदा नहीं होगा। वैसे तो कहा है कुछ दे चलिए कुछ ले चलिए, संतों के पास आवे तो कुछ न कुछ लेते। भाई बहन सोच रहे होंगे महात्मा तो मांग लेंगे चक्कर में, नहीं कुछ देना चाहिए, कुछ दे चलिए और कुछ ले चलिए, खाली नहीं जाओ। आए खाली और चले गए खाली तो मामला गड़बड़ है। एक बार बंधु एक महात्मा जी लेकर रहे, एक देवी ने देख लिया। देवी जी कह रही स्वामी जी थोड़ा रुक जाओ। महात्मा जी कह रहे कि अभी रुपये का मेरा समय देंगे तो ये बहुत जल्दी है कहीं। देवी बड़ी समझदार हो गई, कहने लगी महाराज जी वो कह रहे थे कल आम जाओ। देवी कह रही है कि कल कोई जरूरी है, मैं मिली न मिली, आप मिले न मिले, ऐसा मौका क्यों? यानी काल करता है आज करे और आज करता है अब फल में फल होगी बहुत करेगा। अभी मेरी श्रद्धा है कल नहीं श्रद्धा रही तो हाँ। एक तो स्वामी जी की समझ में आए, स्वामी जी बैठ गए और बेला भर दूध का, स्वामी जी बिल्कुल सामने ही बैठे, खाट पे बैठे आसन लगा दिया। देवी ने कहा जल्दी जल्दी में तो ऐसे स्वागत होता है, वैसे भोजन भी कराते हैं, अब इनको जल्दी है तो कोई बात नहीं, दूध पिलाए। बंधु और दूध हड़िया में उठ रहा था, जैसे ही बेला में दूध को पलटना चाहा ऊपर की जो मलाई थी जारी सुबह सड़क ले गई, पानी मामले खराब हो गया। प्री बंधु उसने उंगलियां लगाई थी, अब महात्मा महात्मा जी देख रहे और दूध ला करके स्वामी जी को दे, स्वामी जी ने पी लिया। महाराज ठीक है आपको जल्दी है पर फिर कभी दया करना कृपा करना। महात्मा जी कह रहे देवी जी दया तो है जाती कृपा तो है जाती पर उंगलियां लग गई। बंधुओं उंगलियां नहीं लगाओ, ये मौका मिला है तुम कुछ नहीं ले जाओगे। यहां वस्तु में ऐसी कोई जिससे हो तो पूरा, तीन लोग का स्वामी हो जाए फिर भी रहे पूरा। यहां कोई ऐसा प्राणी पदार्थ नहीं जिसको पाकर तुम सदा के लिए तृप्त हो जाओ। आज मिलेगा कल छूटेगा, तो छूटेगा तो वहां छोड़ना चाहिए,
कहां जान जगह है। दान पुण्य वैकुंठ खजाना और सड़े गले में होए आपने बैंक में पैसा नहीं जमा किए तो आप बैंक क्या दे दिया आपने, और बैंक के आप चक्कर काटेंगे तो 420 में पकड़े जाओगे और जेल हो चले जाओगे, और बैंक में जमा किए तो मैं ब्याज के और वादा सम्मान के साथ आपको मिलेगा। तो ये नहीं समझना बंधुओं के मानवों के पास कोई कमी नहीं, सब कुछ है, पर आपकी श्रद्धा कैसे आगे बढ़े। संत जगाते हैं, कोई धर्म नहीं करना चाहता है लेकिन संत मार्ग शब्द और धर्म में जोड़ देते हैं, और धीरे धीरे धर्म करते करते दान पुण्य करते करते और आपकी रुचि हो जाएगी, आपकी लगन हो जाएगी, तो जिस कार्य के लिए तुम तैयार हो रहे हो वो कार्य आपका बिल्कुल सिद्ध होगा, जरूर होगा। बंधु एक भजन है, मौत बुढ़ापा दृढ़ता दुख रोग अपमान इनको कोई न चाहता ये जबरन चढ़िया कोई नहीं चाहता। मौत को कौन चाहता है, बुढ़ापा गरीबी कौन चाहता है, पर कोई बचता नहीं। बंधु यदि वास्तव में सत्संग में जुड़ गए, संतों में जुड़ गए तो आपकी मौत नहीं हो सकती है, आप पे बुढ़ापा नहीं आ सकता है, आप पे गरीबी नहीं आ सकती है, आपका अपमान नहीं हो सकता है। लोग चक्कर में पड़ गए होंगे, महात्मा कैसी बात कर रहे हैं, हम मरेंगे नहीं तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, मरोगे क्या, जिसका जन्म होता है वो ही तो मरेगा। जो चीज बनती है बिगड़ती है, एक लाठी के दो छोर हैं, एक छोर की लाठी कहीं देखिए नहीं है, और एक छोर कौन सा है, जन्म। हम मौत नाम लेते ही घबराते हैं आदमी, जब जन्म है वो तो फिर तो होगी। संत जगा देते हैं और वास्तव में मौत से दूर कर देते हैं। संतों के पास आने से बस इतना होता है, कहें कबीर पाछे पछतायो जा घर से जब बाघर चाहिए, इतना होए वो जाकर छोड़ करके और दूसरे घर में, पर जैसे कर्म करे मन मेरे और तैसे बेल बनेंगे। आप लहसुन प्याज खाएं और इलायची की डकार खाएं, ये बड़ी गड़बड़ बात है। लहसुन प्याज खाओगे तो लहसुन प्याज की डकार आएगी, और इलायची खाओगे तो फिर कौन रोकेगा। काबिये करे कर्म पावे फिर सोई निगम नींद कै सब कोई कौन नहीं काऊ सुख दुख दाता मेरी कृत कर्म भोग सुन। जो आपने कर्म किया उसी को भोगना आपको ही पड़ेगा, इसलिए संत जगाते हैं कोई जीवन में ऐसा कर्म नहीं हो जाए जो हमें पछताना पड़े। एक भजन है, ओ माटी के चामरे कोई न आवे काम रे, माटी में मिल जाइए एक दिन भजिल सतगुरु ज्ञान, ओ माटी
तो वीरता को प्राप्त हो जाएगा। फोंक बजा करके
करके मन घुमा भारत करवा दिया। 56 करोड़ यादव मारे गए। अब इतनी विधवा नहीं बेकामी भाई बहनों को थोड़ा गड़बड़ करी। ये थोड़ी गहराई भी जाएंगे जो 16,000 कितनी 16,108 वे रानियां कहां कहां से आई अरे भाई कहूं ना कहूं तो बेचारी रहेंगी क्यों कभी तो राणे भाई और कल वैसी में वो नहीं है कृष्ण को बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं। अंत में बुढ़ापा आ गया रोगी का शरीर हो गया नई सेन हो रहा है तो जंगल में चले गए रियाज पट्टन क्षेत्र जंगल में पेड़ के नीचे पैर पे पैर रखे लेटे और उधर से कोई चला गया उबाली शिकार खेलता हुआ आ रहा है। उसने देखा पैर का तलवा चमक रहा था सोच रहा है हिरण बैठा है हिरण का मस्तक है बड़ा लक्ष्मी था। उसने निशान बांध के बाण मार दिया और भगवान कृष्ण के तलवा में लगा तो जैसे ही लगा एकदम हाय हाय पूरी तरह से चिल्लाने लगे भाग करके आया जरा ब्याह पहचान लिया बड़ा दुखी हो रहा है भगवान मेरे से बड़ी भूल हुई मेरे से बड़ी गलती हुई मैंने तो हिरण समझ के बाण मारा मेरी शिकार के क्षेत्र में आप कैसे आ गए। भगवान कृष्ण ने कहीं भूल नहीं गई क्या कह रहे हैं भूल नहीं गई है बिल्कुल ठीक हुआ है मैंने भी तेरे को इसी तरह से मारा था मैंने भी छिपकर के मारा था और देख मैंने तेरे को मारा और आज तेरे मेरे को मार दिया और भैया अब हमारा तुम्हारा आगे एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि यहां पर बदला हुआ। अज्ञानी आदमी होता तो बंधु कहता अब तो मैं मरी रहा हूं या जिंदा रहता तो तेरे को देख लेता लेकिन ज्ञानी पुरुष होता है वो अपना ही कर्म समझे बात को नहीं समाप्त कर देता। इसलिए बंधुओं आप अपन कर्म सुधारोगे भाई तो तुम पर जरूर नहीं सो और कर्म बिगड़ गया तो कोई नरक से बचाने वाला है। इसलिए बंधुओं जय चौरासी धाम रे माटी में
अरे थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हो गए और कुछ समय के बाद कोई कहीं जाएगा और ये खाली हो जाएगा। बंधुओं ये जीव पता नहीं, ये पक्षी वृक्ष पर बसेरा लिए है और एक दिन तो उड़ना पड़ेगा, यहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा और नहीं जाने पर भी चलना पड़ेगा। इसलिए कहा है नहीं पड़े ऐसा होगा।
स्वतंत्र था, लेकिन आप कर ले अब तो जेल भी जाना पड़ेगा, लाठी भी खानी पड़ेगी। और हाँ, जेल में सोचे कि मैं यहाँ पर भंडार करवाऊंगा, सत्संग करवाऊंगा, पर लोग करने के इतनी धर्मात्मा है तो यहाँ काय को आए। वहां तो ना अच्छा कर सकते हो ना बुरा कर सकते हो, जो आपके बस सजा बोल की है उसको खा। मैं तो बहुत कह रहा हूं, ये मनुष्य शरीर बिल्कुल स्वतंत्र है। आप अच्छा करो, आप बुरा करो, लेकिन बंधुओं अच्छा किया है तो अच्छा होगा, और बुरा करोगे तो फिर कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए I'm not afraid of the dark.
क्या नेक टके रही है नेक और कुछ इशारा आया है तो कहते हैं बहुत गई थोड़ी गई ये भी बीती जाए दाल भुनने कीजिए नहीं बोले दाल घबराने की बात नहीं देखो वर्षा हो क्या करेगी हमारे वर्षा अपनी जगह और हम अपनी जगह ये सब चलता रहेगा रात होगी दिन होगा सर्दी आ जाएगी गर्मी आ जाएगी वर्षा आएगी ये होगा लेकिन तुमको ये नहीं पकड़ पाएगा न रात पकड़ पाएगी न दिन पकड़ पाएगा और न सर्दी गर्मी वर्षा पकड़ पाएगा मैंने निवेदन किया था मौत नहीं हो सकती है कितनी मोटी बात है और बिल्कुल गारंटी के साथ कही है ऐसी वैसी बात नहीं दिलाई से नहीं कही है देखो थोड़ी बात कराऊं फिर समाप्ति वो है बंधुओं जैसे बैटरी चार्ज दे दे तो मशीन बोलती है फिर क्या नहीं और बैटरी डाउन रहेगी तो मशीन बोले नहीं बोले ये शरीर रूपी बैटरी जब तुम दो चार छह घंटा सो जाते हो तो क्या हो जाता है चार्ज हो जाती है और ज्यादा तुम्हें नींद नहीं आ गया अनुभव किया होगा जिस दिन आपको नींद नहीं आ गई ताजना उठोगे लेकिन बीमार जैसे उठोगे क्यों बैटरी चार्ज नहीं वो बंधुओं क्या है दो चार घंटा के लिए हम मर जाते हैं क्योंकि नींद में जब हम सो गए तो क्या बेटा रहता है पत्नी रहती है कोठी रहती है जमीन रहती है कुछ रहता है क्या हुआ मर गए दो चार छह घंटा हम मर गए बस इतनी में ये शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो गई और 24 घंटा दोबारा बोले और देखना माँ के गर्भ में क्या होता है क्या होता है 9 महीना माँ के गर्भ में आप देखा है बच्चा न भोजन करता है न पानी पीता है न सोता है माँ खा लेती है बच्चा की भूख शांत हो जाती है माँ पानी पी लेती है बच्चा की प्यास शांत हो जाती है माँ सो जाती है बच्चा की नींद पूरी हो जाती है यानी 9 महीना उसकी बैटरी चार्ज होती है क्या होती है अच्छा एक बात छोटे बच्चा को तुम बैठा के देख रहे हो एक घंटा बैठ सकता है क्यों 9 महीना बैटरी चार्ज नहीं कैसे बैठ जाएगा और काम बुड्ढे से कहो के चलो बाबा ने घूमे आए वो कहे घूमने की पड़ी है पेशाब के लिए बंधुओं बस इतना ही तो होता है मौत काहे की होती है तुम्हारी मौत नहीं होती है तुम मकान में बैठे हो तो मकान नहीं हो मकान बिल्कुल अलग है और तुम बिल्कुल अलग हो मकान को तुम जानते हो मकान तुम्हें नहीं जानता है क्योंकि मकान जड़ है और तुम ऊंचे कभी साहब ने कहा है सबको जाने सब नहीं होई जाननहार जीव है सोई तू जानता है तू मकान नहीं मकान को तू ही तो जानता है मकान बिल्कुल अलग है और तू बिल्कुल अलग मकान एक दिन बना है और एक दिन बिगड़ेगा ये शरीर एक दिन बना है और एक दिन बिगड़ेगा कोई रोकने वाले इसलिए बंधुओं तुम्हारी मौत नहीं होगी होगी तो किसकी होगी जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होगी तुम अविनाशी हो अविनाशी क्यों हो तो तुम अजन्मा हो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ और जन्म नहीं हुआ तो मौत भी नहीं हो सकती है इसलिए बंधुओं आज हमें और आपको बड़ा सुंदर मौका मिला है हमारे गुरु जी संतों ने बहुत बहुत अच्छा बहुत बहुत बढ़िया
सुंदर विचार गंध और मध्य में रखे और बड़े बड़े दूर से भाई बहन यहाँ पर आए, खूब संतों के सत्संग में आनंद लिया। लोग कह रहे हैं साहब जी मौसम बढ़िया होता तो बहुत भीड़ होती। मैं कह रहा हूं वो भीड़ होती तो वो ज्यादा कामयाब नहीं थी है? जब मौसम खराब में जो भाई बहन आ गए उनकी बात है। प्यासा आदमी फिर देखता नहीं है, वो तो सीधा कुआ के पास ही पहुंचता है, कुछ भी हो उसको तो पानी चाहिए। तो बंधुओं आप भाई बहन ये मौसम को आपने नहीं देखा, और जो सूर्य भी रोते वो मौसम देखते हैं, वो सीधे लगते। इसलिए बंधुओं ये 3 दिन का कार्यक्रम हमारे रोमी भाई ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ रखा, और मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया हुआ। जा जब प्रोग्राम में बरसा नहीं हो, आंधी नहीं हो, वो प्रोग्राम ही खराब हो। भाई कोई ऐसी कैसे धोरू, बरसा होती है और आंधी आती है, प्रकृति भी खुश हो जाती है तो नाचती है, और जब नाचेगी तो भैया कोई कोई तो झपेट में आएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, हमारे नेमी भाई ने ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा बहुत बढ़िया संतों के माध्यम से इस ग्रह प्रवेश करवाया। और हमारे पूज्य संत भोले साहब, कोई संत रहे थे हमने तो नहीं दर्शन किए, और उनकी वास्तव में ये प्रेरणा थी, और वो ज्ञान हमारे नौमी भाई के अंदर में विराजमान आज प्रकट हो रहा है। नहीं पैसा वाले बहुत होते हैं लेकिन बंधु कुछ नहीं कर पाते, जैसे आते और पर मक्की जैसे मक्की चूस हो। अब मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि सब भाई बढ़िया है, प्री बंधु अच्छे लोग होते हैं। जीव जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ तो लीजिए ये सियार लगे। हाँ नाव में पानी बढ़ जाए तो का हो नाव को डूबेगी, इसलिए जितना उलीच पाओ उलीचना चाहिए। अब लोग जो सोच रहे हैं महात्मा कह रहे हैं कि पैसा उलीच ले अपने अपनी तक में हुए महात्मा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, उलीचो मत, पर समय पे चूकने की भी जरूरत नहीं है। जहां मौका लगे वहां पर चूको, थोड़े में बहुत हो जाता है। इसलिए बंधुओं हमारे नौमी भाई के माता पिता को भी बड़ी धन्यवाद है, ऐसे बेटाओं को उन्हें जन्म दिया। और वास्तव में संतों के लिए कौन कौन समझ पाता है, कोई कोई संस्कारी होते हैं जिनके पुण्य प्रताप होते हैं, काव्य पुण्य पुंज मिले न संता, पिछले जो बहुत से पुण्य होते हैं तब संत अच्छे संतों का दर्शन होता है, अच्छे सत्संग का दर्शन होता है, अच्छे समाज का दर्शन होता है। तो भाई मेरे में तो कह रहा हूं कि गुरु महाराज उनके ऐसी कृपा बसती रहे, और ये प्रकृति का नियम है बंधुओं कि आप सुखड़ गए तो प्रकृति सुखड़ जाएगी। और ये देख लो कुआ में तो तुम पानी भरते रहो कुआ ठीक ठाक बना रहेगा, और पानी बंद करते तो स्रोत बंद हो जाएंगे। इसीलिए भाई पानी को खींचते रहो और पानी कुआ को नहीं रहते हो। तो हमारे नौमी भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद, ये पुण्य का काम किया है, सभी भाई बहनों को बड़ी बड़ी दूर से बुला करके और 3 दिन का ये कार्यक्रम रखा है, और कल और बढ़िया होगा। भाई कह रहे थे रात का भी होगा, जो रुकेंगे उनके लिए रात के लिए 7-8 बजे से सत्संग शुरू होगा। समलता रहेगा, समलता रहेगा।
जाए।